ना, अभी मैं जस्ट गुवाहाटी का मौसम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अभी गुवाहाटी में बारिश दे रहा है। अभी बहुत सारा लोग पूछ रहे हैं कि गुवाहाटी में बारिश दिया कि नहीं दिया, लेकिन अभी मैं जस्ट देखा मैं तो सारी जगह में गुवाहाटी में भी वो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बारिश दे रहा है। हालांकि मतलब मौसम सही है, अभी धीमे धीमे बारिश का मतलब सही है। कोई अभी काफ़ी सारा जगह बहुत टाइम था हमारा गर्मी का मतलब बढ़ गया था, तो अभी दो दिन भी बारिश लगातार दे रहे थे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा बारिश दे रहे, तो ठंडा मौसम हमारा हुआ है अभी। तब मौसम भी मतलब सेंस हो गया, थोड़ा बहुत सेंस हो गया, मतलब जैसे गर्म था वो ठंडा में आ गया। तो कहीं कहीं मतलब फिर भी मतलब लोग को बहुत राहत मिला गर्मी से अभी हुई है। तो लोग मुझे पूछ रहा था कि गुवाहाटी का गर्म मतलब आसाम गुवाहाटी का गर्म कैसे है, तो मैंने बोला ये ठंडा है अभी थोड़ा बहुत, इतना भी ठंडा नहीं है जो मतलब आदमी सुकून ले सकता, वो वाला ठंडा है, जैसे बहुत गर्मी भी नहीं है। तो अब तो दो दिन तीन दिन हो गया, तो थोड़ा थोड़ा बारिश धीमे धीमे बारिश गिर रहा है, तो लोग भी बहुत खुशी और राहत मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि गुवाहाटी में थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बारिश दे रहा है, इतना भी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम है। तो फिर भी कहीं भी अगर निकालिए तो छतरी वगैरह ले लीजिए ताकि बारिश ना भीगे, क्योंकि बारिश भीगने से अभी मौसम वगैरह भी काफ़ी सेंस हो रहा है, तो उसका वजह सर्दी जुकाम वगैरह होता है। तो अब रिसेंटली तो काफ़ी सारा लोग बुखार हुआ करके सुना है, तो इसके लिए क्योंकि मौसम बदलने में क्या होता है कि लोग को बीमारियाँ मतलब शरीर का ये थोड़ा पकड़ देता है। थोड़ा अपना ख्याल हेल्थ को थोड़ा ख्याल रखिए, अपना शरीर को ख्याल रखिए। तो इसके सबको मैं मेरा तरफ से मैं मैसेज देना चाहूँ ताकि अच्छे तरफ से कहीं भी निकाले तो छतरी वगैरह ले लीजिए, और ताकि ना बारिश भीगे, और अपना शरीर को ख्याल रखें ताकि हम कहीं भी चलने में कहीं भी जाने में सफल हो। इसलिए धन्यवाद।